यूपी बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जारी है। रोज किसी न किसी का नाम सामने आ रहा है। पहले ब्राह्मण नेता को प्रदेश की कमान सौंपने की चर्चा चल रही थी, लेकिन शनिवार को अचानक आरएसएस और संगठन में पकड़ रखने वाले दलित चेहरे विद्यासागर सोनकर का नाम तेजी से आगे आया। माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जातीय गणित में विद्यासागर सोनकर सबसे फिट बैठते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में दलितों ने बीजेपी को जमकर वोट किया था। चर्चा है कि दलित वोट बैंक जोड़े रखने के लिए विद्यासागर पर दांव लगाने की तैयारी है। दरअसल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री बन जाने के बाद ये तलाश शुरू हुई है। विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण नेताओं में श्रीकांत शर्मा, दिनेश शर्मा के साथ महामंत्री अनूप गुप्ता का नाम तेजी से ऊपर उभरा था, लेकिन बीजेपी किसी जल्दबाजी में नहीं है। पार्टी थिंक टैंक 2024 के मुफीद और जातीय समीकरण पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में दलित चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है, जिसके लिए विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे सटीक है। विद्यासागर सोनकर के राजनीतिक करियर की बात करें तो बूथ अध्यक्ष से सांसद और एमएलसी बनने वाले विद्यासागर ने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे। मूल रूप से जौनपुर के सुखीपुर के रहने वाले विद्यासागर सोनकर छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए। बीजेपी ने साल 1985 में उन्हें बूथ अध्यक्ष बनाया। पहली बार 1989 में पार्षद चुने गए। यहीं से उनका राजनीतिक भविष्य तय हो गया और आज वो एमएलसी हैं। जौनपुर से पार्षद चुने जाने के बाद विद्यासागर सोनकर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीजेपी ने साल 1996 में सैदपुर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया, जहां उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया। ये जीत उनके राजनीतिक जीवन को नई ऊंचाई पर ले गई। इसके बाद उन्हें संगठन में भेज दिया गया। संगठन में विद्यासागर सोनकर ने खूब काम किया। 2000 में जिला अध्यक्ष बनाया गया, फिर अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष समेत युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई को संभाला। प्रदेश की कार्य समिति में सक्रिय रहे। काशी गोरखपुर प्रांत में भाजपा के पदाधिकारी होने के कारण कुशल संगठनकर्ता माना जाता है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फिर से चुनावी राजनीति में मौका दिया, लेकिन विद्यासागर सोनकर लोकसभा चुनाव हार गए। 2017 में पार्टी लहर में भी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। पार्टी के प्रति उनकी आस्था और अमित शाह के साथ प्रदेश संगठन में भूमिका निभाने का इनाम पार्टी ने उन्हें एमएलसी बनाकर दिया। विद्यासागर सोनकर ने संगठन में रहते हुए केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की टीम में काम किया। पार्टी प्रकोष्ठों में रहने के साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने लोगों तक पहुंचने के लिए 6 यात्राएं निकाली, जिसका नेतृत्व विद्यासागर सोनकर ने किया। सभी 6 यात्राओं का प्रभारी रहते विद्यासागर सोनकर ने पार्टी को जन जन तक पहुंचाया। पार्टी उनके संगठन के अनुभव को देखते हुए प्रदेशाध्यक्ष जैसे पद पर बैठाना चाहती है। उनका दलित होना उनकी दावेदारी को और मजबूत करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।